साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए अपडेट में। तो आज हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं सीधे मणियाहूँ रेलवे स्टेशन, यानी मणियाहूँ रेलवे स्टेशन पे काफ़ी जोरों से विकास कार्य चल रहा है, नई बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उसका पूरा अपडेट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से रहेगा। फिलहाल आप रोड देख पा रहे होंगे, मणियाहूँ रेलवे स्टेशन जाने का यह मार्ग है जो देखिए काफ़ी कम चौड़ा है। देखिए बगल में लोग गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं, जब साइकिल खड़ी कर दे रहे हैं, बीच में थोड़ा सा जगह मिला है। एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से लोग आ रहे हैं, तो बताइए कितना जगह मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि चौड़ीकरण करें, नगर पंचायत मणियाहूँ की जिम्मेदारी है कि इस रोड को चौड़ा करें, जो बना नहीं हुआ है उसको बनाने का काम करें। दाहिनी और बाईं ओर देखिए रोड बना हुआ नहीं है, इस तरह से पूरा देखिए ईंटा पूरा उखाड़ा गया है। हमको लग रहा है कुछ पाइप लाइन गया है गैस का, इसीलिए उसको उखाड़ा गया है। चलिए आगे हम मणियाहूँ रेलवे स्टेशन में पूरा व्यू दिखाते हैं आप सभी को। तो आगे से साथियों, ये स्टेशन वाला मार्ग है। स्टेशन वाला मार्ग अगर है तो काफ़ी अच्छा हो। स्टेशन वाला मार्ग से चौड़ीकरण करें, देख रहे हैं बीच बीच में लोग इधर रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। देखिए टूलर वाले इतनी गाड़ी लगा दी है, तो आएंगे जाएंगे कैसे। और हारन देखिए, ऐसा हारन बजा रहे हैं जिससे कोई वो नहीं है। तो देखिए सीधे हम आ गए हैं मणियाहूँ रेलवे स्टेशन, और सामने अपना मणियाहूँ रेलवे स्टेशन जो कि इस हाल में है। आप देख पा रहे होंगे पुरानी बिल्डिंग पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, और नई बिल्डिंग अभी बनाने का काम किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं रेलवे स्टेशन, पूरा दिखाते हैं तस्वीर आप सभी। वो मणियाहूँ स्टेशन के ठीक बाहर आप देख पा रहे होंगे इधर मंदिर है। मंदिर से जस्ट सटा हुआ एक विशाल काय पीपल का वृक्ष है, जो कि काफ़ी मतलब ऑक्सीजन प्रदान करता है हम सभी को। और इसके बगल में काफ़ी वर्ष पुराना देखिए ये कुआँ है, जो कि पूरे अभी विलुप्त हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा एकदम विलुप्त हो चुका है, गहराई काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन उसको पूरा फाड़ दिया गया है। देख रहे हैं काफी वर्ष पुराना यह है। साथियों, प्लेटफॉर्म नंबर एक मणियाहूँ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर एक है, और देख पा रहे होंगे अभी कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ है, और आगे पूरा पुरानी बिल्डिंग पूरा तोड़ दिया गया, यानी ध्वस्त कर दिया गया है। और जो आप यात्री देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर, तो मणियाहूँ रेलवे स्टेशन पर देखिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है, जौनपुर से चलकर रायबरेली को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस आ रही है, उसका व्यू हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देख रहे होंगे यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है मणियाहूँ रेलवे स्टेशन का। चलिए हम आगे से पूरा कैच करते हैं, हम आप सभी दिखाते हैं। फिलहाल फुट ओवर ब्रिज का आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का है। फिलहाल देखिए मणियाहूँ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक इस प्रकार का, अभी आगे हमको लग रहा है नई बिल्डिंग बनाया जा रहा है, उसका थोड़ा व्यू दिखाते हैं आप सभी को। फिलहाल देखिए सामने एक ट्रैक है, यानी जो चंगाई से जौनपुर का जो लाइन है उसके लिए मतलब आती है। प्लेटफॉर्म नंबर एक से जौनपुर से चंगाई जाती है, और जो चंगाई से जौनपुर जाने वाला प्लेटफॉर्म नंबर अभी दो नहीं बनाया गया है, अभी प्लेटफॉर्म नंबर एक ही है वर्तमान। तो इधर देखिए नए भवन का निर्माण कार्य अभी होगा बहुत जल्द, और ट्रेन आ रही है इंटरसिटी एक्सप्रेस मणियाहूँ रेलवे स्टेशन पे। तो काफ़ी संख्या में यात्री गण यहाँ पे बैठते हैं। तो इसके बाद जो एक ट्रेन आती है एजी पैसेंजर, यानी प्रयागराज संगम एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं, और सामने देखिए ट्रेन आती है, बीच में बकरी भी चल रही है, देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कुछ प्रकार का यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस मणियाहूँ रेलवे स्टेशन पे लग रही है। रायबरेली से जाने वाली, जौनपुर से चलकर रायबरेली को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस मणियाहूँ रेलवे स्टेशन पे लग रही है, जिसका अभी हम देखिए व्यू आपको दिखा रहे हैं मणियाहूँ रेलवे स्टेशन से। तो जौनपुर से चले हैं हम नेशनल हाईवे 101
135A का अपडेट लेते हुए और मड़ियाँ रेलवे स्टेशन में पहुँच गए हैं और यहाँ का पूरा अपडेट लेंगे, पूरा मड़ियाँ रेलवे स्टेशन को व्यू दिखाएंगे आप सभी को। काफ़ी डिमांड आ रही थी मड़ियाँ वालों की, और मड़ियाँ वालों ही नहीं जो बाहर बैठे हैं भाई लोग, मुंबई दिल्ली कलकत्ता बैठे हुए हैं, वो लोग अपना स्टेशन देखना चाहते हैं कि मड़ियाँ रेलवे स्टेशन में कितना विकास कार्य हुआ है। और रही बात यहाँ पे लाइट की उत्तम व्यवस्था कर दी गई है, और पीछे देखिए गार्ड साहब बैठे हुए हैं। ट्रेन ज़्यादा बड़ी नहीं है, ट्रेन छोटी है, इंटरसिटी है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ प्रकार का विकास कार्य चल रहा है, नए भवन का निर्माण कार्य यहाँ शुरू हो जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ दीवार खड़ा किया जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए हम जौनपुर वाले साइड की ओर चढ़ रहे हैं, यानी जौनपुर की साइड की ओर का दिखा रहे हैं पहले आगे, फिर उसके बाद हम जंघई वाले साइड के दिखाएंगे। फिलहाल देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखिए दीवार खड़ा किया जा रहा है रेलवे का। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का जो ट्रैक है हद तक साफ है, बीच में इधर नहीं साफ है, बीच में गंदगी है, काफ़ी ज़्यादा पानी भी जल जमाव है। तो मड़ियाँ रेलवे स्टेशन के लिए हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से, उनसे हम बारंबार आग्रह करते हैं कि मड़ियाँ रेलवे स्टेशन को एक बड़े स्तर पर लेके जाएं, क्योंकि मड़ियाँ वाले काफ़ी लोग कह भैया मड़ियाँ स्टेशन बदलना चाहिए नहीं भैया, बदल तो रहा है, बदल रहा कितना, मतलब कितने साल बाद बदल रहा है, कै साल बाद, ये तो 3-4 साल बाद। अच्छा हाँ, तो क्या मतलब अच्छा लगा, मतलब खुशी हैं, आप खुश हैं, खुश है ना? iPhone 15 भैया, हाँ iPhone 15 है। तो देखिए कहाँ घर पड़ेगा भैया, कहाँ घर पड़ेगा? अच्छा तो स्टूडेंट हैं आप? साथियों देखिए ये स्टूडेंट हैं, मड़ियाँ के रहवासी हैं, तो इनसे भी वार्तालाप करेंगे, कुछ देखिए जानकारी चाहते हैं ये। साथियों आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए काउंटी किया जा रहा है रेलवे का, और गुरु आस्तोस ब्लॉग। तो आगे देखिए प्लेटफॉर्म का एंड है मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का, अभी हम आगे चलते हैं, आगे से थोड़ा व्यू देखते हैं लेते हैं। फिलहाल मोबाइल लेने के पश्चात, मोबाइल लेने के बाद हम पहला वीडियो तो जौनपुर जंक्शन के बनाए थे, तो दूसरा वीडियो देखिए मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का बना रहे हैं, या रेलवे की बात करें, रेलवे का अगर वीडियो बना रहे हैं तो मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत वीडियो हमसे हिल जाती है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब एक लेने वाले हैं स्टैंड, मोबाइल स्टैंड। तो साथियों फाइनली देखिए हम मड़ियाँ रेलवे स्टेशन के एंड के पास अभी हम खड़े हैं, तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस क्रॉस करी है मड़ियाँ रेलवे स्टेशन से जंघई की ओर, यानी रायबरेली इंटरसिटी। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रकार का बाउंड्री पूरा किया जा रहा है मड़ियाँ रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का। अभी कुछ घंटे बाद मिनट नहीं कुछ घंटे बाद इस पर अभी एक बरेली प्रयाग संगम एक्सप्रेस आएगी, और यहाँ पे देखिए कुछ प्रकार का काम हो रहा है, भाई लोग लगे हुए हैं, मजदूर भाई लोग। अभी हम आगे चलते हैं, आगे से पूरा कैच करते हैं, आगे से पूरा व्यू दिखाते हैं आप सभी को, और क्या वर्क हो रहा है। और पुरानी बिल्डिंग जो टूट गया है तो उसी जगह एक नए भवन का निर्माण कार्य होगा, तो जैसे निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा उसका हम अपडेट दिखाएंगे। फिलहाल अभी नया भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे शुरू होगा उसका दिखाएंगे। फिलहाल जहाँ पर टूटा है उसकी स्थिति हम आपकी दिखाएंगे आप सभी को। पूरा कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा, पूरा एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का जो रिमॉडलिंग कार्य शुरू हो चुका है उसके लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा इस भाई के लिए, और प्रॉपर आप सभी को तरीके से मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का अपडेट दिखाते रहेंगे। और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाइए, और सामने देखिए आज धूप तो काफ़ी, मतलब 3 दिन से धूप इतनी ज़्यादा है कि जिसका आप लोग तुलना नहीं कर सकते, इसीलिए देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा परेशानी हो रही है। और 47 से लेकर 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जा रहा है, तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट देखते हुए अभी हम शाम को निकले हुए थे। तो शाम को निकलने के बाद पहला हमारा जो एक महत्वपूर्ण अपडेट मड़ियाँ रेलवे स्टेशन का अपडेट जो कि आप सभी को हम दिखा रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे देखिए बाउंड्री पूरा यहाँ तक कर दिया गया है जो आप देख पा रहे होंगे, और सीधे जंघई साइड का हम पूरा दिखा रहे हैं, यानी बरसठी
की ओर का दिखा रहे हैं रास्ता नज़ारा, और आगे पूरी पुरानी बिल्डिंग तोड़ दिया गया है। कंटिन्यू आप लोग वीडियो बने रहिए आप लोग। और यही बकरी थी, देखिए थोड़ा परेशान कर रही थी, बीच में आ गई थी ट्रैक पे, क्योंकि यहाँ भी देखिए कोई ना कुछ बनेगा, जो आप देख पा रहे हैं पीछे के भी कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए लाइट की व्यवस्था की गई है, यानी लाइट की भी व्यवस्था उत्तम है। और जगह जगह बता दें कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं टीन सेट छोटे छोटे जो टीन सेट, उसकी व्यवस्था की जाए, जो यात्री लोग हैं उसमें छाँव में रह सकें, और बारिश के समय में तो उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल अभी स्टेशन का परिसर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सामने का एरिया पूरा रेलवे की कैंपस में आती है, तो अभी सामने बैरिकेड नहीं किया गया है। सामने का भी हमको लग रहा है कि बैरिकेड किया जाएगा, सामने बाउंड्री किया जाएगा, ताकि रेलवे का पूरा जो हिस्सा है पूरा बाउंड्री वॉल हो जाए। तो साथियों अभी हम आगे चलते हैं, आगे पूरा दृश्य दिखाते हैं। फिलहाल देखिए ये हिस्सा बचा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, उसके आगे का जो हिस्सा है पूरा तोड़ दिया गया है। और अभी हम फिलहाल ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से पूरा फुट ओवर ब्रिज से पूरा दिखाते हैं नज़ारा मड़ियाँव रेलवे स्टेशन का, और क्या हाल है मड़ियाँव रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज। अभी तो यहाँ सफाई देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर का क्या हाल है वो हम देखते हैं। फिलहाल पहले की अपेक्षा आज मड़ियाँव रेलवे स्टेशन का जो फुट ओवर ब्रिज है काफ़ी स्वच्छ है, और स्वच्छता भी विशेष लगता है ध्यान दिया गया है, जैसा कि हम देख रहे हैं। पूरा थोड़ा बहुत जो गंदगी है, जो यात्री लोग हैं वही लोग गंदगी करते हैं। हम उन सभी यात्रियों से आग्रह करना चाहते हैं जो रेलवे पे आते हैं और रेलवे परिसर में गंदगी करते हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि रेलवे परिसर को स्वच्छ और साफ रखने में अपना मदद करें, अपना योगदान करें। ये है मड़ियाँव रेलवे स्टेशन का फोटो ब्रिज। अब बात कर लें नई बिल्डिंग बनाने का, अभी वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाने का काम किया जाएगा। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे उधर पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया है, और रही बात प्लेटफॉर्म पे लेके लोग गाड़ी लेके आ जा रहे हैं, एक गलत बात है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी ना लेके आए। प्लेटफॉर्म आपका है, रेलवे स्टेशन आपका है, और इसमें गरिमा बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। अभी हम फुट ओवर ब्रिज से नीचे उतरते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं हम आप सभी को। फिलहाल स्टेशन परिसर का पूरा दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है शिकार किया जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में गिट्टी बालू देख के आके रखा गया है, महीन गिट्टी और मोटी गिट्टी सब आके रखा गया है। अभी हम नीचे की ओर चलेंगे, नीचे से पूरा दृश्य दिखाएंगे हम आप सभी को। फिलहाल साथियों अभी हम आगे चलते हैं, आगे का पूरा दृश्य दिखाते हैं। और रही बात मड़ियाँव रेलवे स्टेशन पे जो हैंडपम्प है, हैंडपम्प तो चार पांच लगे हैं, जिसमें से हमको लग रहा है एक से दो हैंडपम्प चालू की स्थिति में, यानी जो पानी दे रहे हैं जो शीतल जल है वो एक से दो हैंडपम्प दे रहे हैं, बाकी जो हैंडपम्प है काफ़ी पुराना हो गया है जो फेल हो चुका है। और बताते हैं कि बैठने के लिए तो व्यवस्था यहाँ पर दी गई है रेलवे की ओर से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये है फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज तो काफ़ी मतलब अच्छा है, काफ़ी बढ़िया बनाया गया, काफ़ी बेहतर तरीके से। और टीन सेट की रही बात, टीन सेट तो देखिए छांव दे रहा है लेकिन एक ही टीन सेट है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार का बिल्डिंग तोड़ दिया गया है, तो फाइनल रूप से देखिए मड़ियाँव रेलवे स्टेशन पे आज विजिट करके आप सभी को पूरा एक विस्तार से अपडेट दे रहे हैं। और रही बात प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 को अतिशीघ्र बनाया जाए, काफ़ी मतलब ज़रूरत है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की, अति आवश्यक है। तो उन रेलवे के अधिकारियों से हम आग्रह करते हैं, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से भी आग्रह करते हैं कि जो मड़ियाँव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो एक प्लेटफॉर्म और बढ़ाया जाए, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी किया जाए, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके, यात्रियों को मतलब दिक्कत का सामना न करना पड़े। वो देखिए बनाया गया है लेकिन उसको ऊँचा नहीं किया गया, तो हम चाह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म ऊँचा हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी बने। तो एक तो अभी है ही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी बने जिससे यात्रियों को सुगमता और
आसानी प्राप्त हो यात्रा करने में। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, आगे से थोड़ा व्यू लेते हैं क्या हो रहा है मड़ियाओं रेलवे स्टेशन पे विकास कार्य। बात स्टेशन परिसर, स्टेशन परिसर देखिए स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए। हमारे ये पहली प्राथमिकता है कि स्टेशन को स्वच्छ बनाने में अपने योगदान दें। और जगह जगह जो आप लोग बोतल इत्यादि फेंक देते हैं प्लेटफॉर्मों पर, ऐसा ना करें। कचरा तो कचरा करेंगे तो हमारी एक समझ लीजिए अनुशासन जिसको बोलते हैं वो उसमें ठेस पहुँचेगी। तो मड़ियाओं रेलवे स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है मड़ियाओं रेलवे स्टेशन का। अभी हम आगे थोड़ा विशेष कार्य हो रहा है आगे साथियों।